रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से दावा किया जाता रहा है कि समूचा पश्चिमी खेमा यूक्रेन के साथ खड़ा है, चाहे वह सैन्य और आर्थिक मदद हो या फिर नाटो और यू में सदस्यता का सवाल हो। हालांकि इस दावे पर कई बार सवालिया निशान भी उठते रहे हैं। हंगरी समेत कई पश्चिमी देश ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने कई मौकों पर यूक्रेन की मदद करने से साफ इनकार करते हुए कीव को बड़ा झटका दिया है। एक बार फिर हंगरी ने तल्ख टिप्पणी कर यूक्रेन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। नाटो के सदस्य देश हंगरी ने शुक्रवार को रूस के साथ एक नए विश्व युद्ध के बारे में सख्त चेतावनी जारी की है। हंगरी ने कहा कि अगर सैन्य गठबंधन का कोई देश सीधे तौर पर मॉस्को के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में शामिल हो जाता है तो अलग विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। इस जंग को 2 सालों से भी ज्यादा समय से यूक्रेन मुख्य रूप से अपने यूरोपीय सहयोगियों और अमेरिकी मदद से युद्ध लड़ रहा है। हालांकि हंगरी के विदेश मामलों और व्यापार मंत्री पीटर सिजार्टो ने सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यक्रम में रूस यूक्रेन युद्ध में बढ़ती भागीदारी के खिलाफ चेतावनी दी है। रूसी मीडिया आउटलेट टास की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कम से कम एक और यूरोपीय देश इस युद्ध में शामिल होता है तो इसे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये निश्चित तौर पर से एक नाटो देश होगा। यदि कोई नाटो देश रूस के साथ सीधे संघर्ष में कदम रखता है तो एक नया विश्व युद्ध फिर एक अनिवार्य नतीजा होगा। गौरतलब है कि नाटो के आर्टिकल 5 में ये साफ कहा गया है कि इसके सदस्य देशों में से किसी एक या उससे अधिक देशों के खिलाफ अगर सशस्त्र हमला होता है तो उसे पूरे नाटो के खिलाफ हमला माना जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि हंगरी इसी वजह से पहले भी काफी दफा रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहने की हिदायत दे चुका है, तो वही यूक्रेन की खुले तौर पर मदद से भी गुरेज करता रहा है। बीते दिनों हंगरी के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वह यूक्रेन को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। इससे पहले यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता को लेकर बातचीत को भी जब मंजूरी दी गई तब भी हंगरी की सरकार ने अड़ंगा लगाया था। उससे पहले यूक्रेन को $55 अरब की रकम यूरोपीय यूनियन की ओर से दी जानी थी जिसे हंगरी ने नामंजूर किया था। गौरतलब है कि हंगरी के विदेश मंत्री की हालिया टिप्पणी नाटो महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग की ओर से यूक्रेन को सैन्य सहायता के 5 साल के पैकेज के लिए 100 बिलियन यूरो यानी $107 बिलियन के प्रस्ताव के बाद आई है। हंगरी ने नाटो चीफ के प्रस्ताव को पागलपन की सभी हदें पार करने वाला करार देते हुए कहा कि हंगरी खुद को योजना से दूर करने की कोशिश करेगा। टास की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री ने कहा कि हम हंगरीवासी हथियारों के परिवहन और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग करने के लिए संयुक्त नाटो अभियानों में भाग नहीं लेना चाहते हैं। आने वाले हफ्तों में बातचीत के दौरान हम हंगरी के इस पागलपन से दूर रहने के अधिकार के लिए लड़ेंगे, साथ ही $100 बिलियन को इकट्ठा करने और उन्हें यूक्रेन को यूरोप से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।